अगर मैं आपको बोलूं कि GoPro 7 में और GoPro 8 में ज्यादा अंतर तो नहीं था, पर इस वीडियो के बाद शायद इतना अंतर आ जाए कि आप कहो कि यार मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइज वंस अगेन। और ये जो वीडियो है ये GoPro 8 के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डायरेक्टली उसके अपडेट फर्मवेयर में आपको डायरेक्टली उसके ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि GoPro ने कुछ फीचर्स इसके बनाए थे पर वो मतलब कि उन्होंने नॉर्मली GoPro 8 में डाले नहीं हैं, पर वो फीचर्स वो चाहते हैं कि आप लोग यूज़ करें। सो उसका अलग से एक फर्मवेयर है और उसको यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग सा है। वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे पे जाके उन फीचर्स को यूज कर सकते हो, उसके क्या फायदे हैं, कहां कहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो जुड़े रहिए इस वीडियो से। सो ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि GoPro 8 ने जो फीचर्स हैं बड़े टेक्निकल टर्म्स में डाले। बेसिकली ये QR कोड के ऊपर सारा गेम है। और QR कोड्स क्या होते हैं? बेसिकली कोड्स होते हैं जैसे आपने हर जगह देखे होंगे, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये QR कोड्स होते हैं, सब जगह देखे होंगे जहाँ पे आपने पेटीएम या कोई भी चीज़ या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो इसकी, इसको स्कैन करो तो आपको यू नो यू गो टू अ लिंक। सो ऐसी ये QR कोड्स को आप स्कैन करके GoPro के थ्रू, ये जो आपका GoPro है इस GoPro को जब आप उस फर्मवेयर से अपडेट कर देंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। सो बेसिकली जस्ट अपने GoPro को QR कोड के सामने रखेंगे, GoPro उसको स्कैन करेगा, मतलब कोई ऐसा कोई बटन नहीं दबाना है, बस सामने रखोगे ऑटोमेटिकली ये स्कैन कर लेगा और वो जो फीचर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। सो GoPro 7 और GoPro 8 में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, डिटेल वीडियो में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर पिक्चर क्वालिटी इज नॉट बिग डिफरेंस, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक हाइपर स्मूथ 2 जो आया था वो GoPro 8 में वो और भी ज़्यादा स्टेबल है और वो ऑलमोस्ट सारे FPS पे सपोर्ट करता है जो GoPro 7 में नहीं था। एक तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। पर ये जो फीचर्स हैं जो मैं अब आपको फीचर्स बताने वाला हूँ, वो भाई साहब अंतर ना काफ़ी बढ़ा दिया है, सोचने में मजबूर कर देंगे आपको। शायद सोचने में मजबूर तो ऑलरेडी थे, पर अब शायद आपका डिसीजन बिल्कुल क्लियर कर दें। तो चलते हैं उस फीचर्स के बारे में, पर उन फीचर्स को भी जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि वो जो फर्मवेयर है उसको कहाँ पे जाके कैसे उसको डाउनलोड करना है और अपडेट करना है। सो GoPro लैब्स के फीचर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम वेबसाइट पे, और जो वेबसाइट है ये आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप इसका लिंक डायरेक्टली आप जा सकते हैं। सो ये कम्युनिटी GoPro की एक साइट है, GoPro लैब्स की, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये मैं अभी आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, आप इसको मोबाइल पे भी खोल सकते हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका गेट स्टार्टेड, क्रिएट योर कोड, ज्वाइन द डिस्कशन, क्रिएट योर कोड। तो अगर आपको खुद कुछ डिज़ाइन करना है कुछ फीचर्स शायद उसके लिए, पर हमें आना है यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे। और गेट स्टार्टेड में अगर आप नीचे आओगे सबसे, तो हाउ टू इंस्टॉल GoPro लैब्स फर्मवेयर यहाँ पे। सो यहाँ पे एक लिंक है, सबसे पहले हीरो 8 ब्लैक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इसको। सो आपका ये राइट में आप नीचे देख सकते हो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो अभी मैं जाता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर आप ये सेकंड क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करने के बाद आप रख लीजिएगा अपने पास अभी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हेयर स्टार्टिंग विद स्टेप 2, आप इस पे जाएंगे अगर, तो एक साइट का एक अलग पेज खुलेगा और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया है कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। जो आपकी डाउनलोडेड फाइल होगी, जो ये आप डाउनलोड कर रहे थे यहाँ पे, उसमें एक अपडेट का फोल्डर होगा, जब आप उसको अनजिप करेंगे फिर उस अपडेट के फोल्डर को आपको अपने पेन ड्राइव में डाल के, जो पेन ड्राइव आप GoPro में यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड जो आप GoPro 8 में यूज़ करते हैं, उसमें ये अपने कंप्यूटर के थ्रू इसमें डाल लीजिएगा और वापस GoPro 8 में लगा दीजिएगा। वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है और जैसे ही आप डालोगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा कुछ आइकन आएगा, ये आप वीडियो भी देख सकते हो जब मैं अपडेट कर रहा था, ठीक है। तो अब आपका फर्मवेयर अपडेट हो गया है GoPro 8 लैब्स का। और तो अब चलते हैं कि उससे क्या क्या कर सकते हैं हम। सो अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड करा था अपने अपडेट को, जो GoPro लैब्स का, उसी वेबसाइट को मैंने मोबाइल पे खोल लिया, बेसिकली आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे। सो इसी में अगर हम नीचे जाएंगे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था, यहाँ पे जो उसका ये थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे। सो बेसिकली आप एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको जो GoPro लैब्स की जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सबके लिंक हैं जो आपको बता दें
बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें है, कि जैसे मोशन डिटेक्शन है, स्पीड एक्टिवेशन है, उसके बाद कैप्चर सनसेट्स एंड सनराइजेस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कंटेंट्स जो हैं इसमें। आप क्यूआर कोड्स के बेसिक्स के ऊपर थोड़ा नीचे जाएंगे, सो यहाँ पे आपको क्यूआर कंट्रोल कस्टमाइजर, ठीक है। सो क्यूआर कंट्रोल कस्टमाइजर पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप अपनी सारी सेटिंग्स देख सकते हो अपने कैमरा की, जितने भी हैं, चाहे कैमरा मोड हो, चाहे रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो, चाहे FPS के बारे में कर रहे हो, चाहे फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हो कि वाइड, मीडियम, नैरो, सुपर व्यू, यू नो, हाइपर स्मूथ ऑन करना है, ऑडियो, ये सारी फीचर्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है। तो आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो और नीचे आपका QR कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा उस सेटिंग्स के हिसाब से, ठीक है। सो बेसिकली QR कोड्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, ये कोड्स होते हैं, बार कोड की तरह समझ लिए कुछ भी, इसको अपने मोबाइल से या डिवाइस से आप जब स्कैन करते हैं तो ये लिंक को पॉइंट करता है और आप वहां पे चले जाते हो, या फिर इसमें कुछ सेटिंग्स या कुछ भी स्टोर्ड है। जैसे गोप्रो के एक्शन कैम में ये चीज है कि जब गोप्रो से हम इसको भी स्कैन करेंगे तो जो भी सेटिंग्स हैं ऊपर दे रखी हैं वो सेटिंग्स वो कैमरा ले लेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, इस QR कोड के अंदर होती है, ठीक है। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे, आप देखो कि एक QR कोड की अभी कोई एक शेप बनी हुई है ऐसी रैंडम कुछ भी, पर जैसे मैं ऊपर कुछ भी चेंज करता हूँ, कि जैसे अगर मैं हाइपर स्मूथ ऑन करता हूँ, तो जैसे आपने नीचे अगर देखा होगा तो ये जो QR कोड है ये बदल गया। तो ऐसे ही जैसे हम सेटिंग्स को चेंज करते रहेंगे QR कोड बदलता रहेगा उसके हिसाब से, तो उसको आप स्कैन करके। सो बेसिकली GoPro 7 में क्या है कि ये फीचर नहीं थे प्रीसेट्स के। अगर आप प्रीसेट्स के, आपके बारे में आपको नहीं पता है GoPro 8 में, कि GoPro 8 में पहले से हम कुछ प्रीसेट्स डिफाइन कर सकते हैं, कि जैसे 4K का, 2K का, स्लो मोशन का अलग से ही, मैंने जैसे आप ऑन करते हो वीडियो में, सो उसकी सेटिंग्स में आप ऑलरेडी पहले से ही प्रीसेट्स होते हैं, कि मेरे को बार बार सेटिंग्स में जाके चेंज नहीं करना होता कि मेरे को अभी 2K करना है, फिर प्रोट्यून ऑन करना है, फील्ड ऑफ व्यू नैरो चाहिए, ये सब सेटिंग्स बार बार नहीं करनी है, पहले से ही आप डिफाइन कर सकते हो, तो उनको प्रीसेट्स बोलते हैं। और कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, और कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है उसमें। सो बेसिकली ये जो QR कोड का जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये वाली बात, ये भी क्या है कि आप अलग अलग सेटिंग्स में, ये 7 में नहीं है, ये 8 का फीचर है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्लस जो 8 में है, जो 7 में नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप अपनी सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कि जैसे नहीं, मेरे को वीडियो भी, एक वीडियो, और मेरे को 4K का वीडियो चाहिए, और मेरे को FPS चाहिए 60, और फील्ड ऑफ व्यू मेरे को चाहिए सुपर व्यू, हाइपर स्मूथ मेरे को ऑन चाहिए, और ऑडियो मेरे को ऑटो मोड पे चाहिए, ठीक है। और ये QR कोड आ गया, इसको आप स्कैन करके निकाल सकते हो, स्कैन ऐसे मल्टीपल आपको जो भी सेटिंग्स वाले हो आप स्कैन करके इनको निकाल के QR कोड्स को अपने हेलमेट पे कहीं भी चिपका सकते हैं, या मोबाइल के पीछे, या कहीं भी जब आप ट्रिप्स पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि इजिली एक्सेसिबल है। सो बस आपको कुछ नहीं, अपना GoPro ऑन करना है, इसको QR कोड को स्कैन करना है, और वो ऑटोमेटिकली वो सेटिंग्स आ जाएंगी। सो ये अलग अलग आप QR कोड स्कैन करके रख सकते हो। सो एक तो ये लैप्स में ये फीचर है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि GoPro 8 में तो ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं, आई नो प्रीसेट्स हैं, वो सब तो आप कर ही सकते हो, पर कुछ आप और भी डिफाइन करके अपने जगह कर सकते हो, कि बस ऑन करते ही स्कैन कर लेगा वो ऑटोमेटिकली, और भी शॉर्टकट है, और भी बटन नहीं दबाने आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब हम आपका, और इसमें प्रोट्यून के कंट्रोल्स भी हैं, कि जैसे अगर आपने कोई अपना वीडियो सेट किया तो जैसे आप प्रोट्यून्स पे क्लिक करेंगे, सो आप देखते हो प्रोट्यून्स की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, वाइट बैलेंस, आपको ISO, ISO मैक्स, EV, एक्सपोजर कंपनसेशन, सारी सेटिंग्स वाइट बैलेंस से लेके सब अपना कर सकते हो। GoPro कलर चाहिए, फ्लैट चाहिए, या जो भी चाहिए, तो प्रोट्यून की सेटिंग्स भी हैं इसके अंदर। उसके बाद काफ़ी कुछ फीचर्स हैं, आप देख सकते हो सारी, मतलब जो भी आप चाहते हो सब कुछ है, मैं इतनी डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। सो बेसिकली ये तो हो गया आपका, अगर आपको वीडियो के फॉर्मेट्स कुछ QR कोड की तरह सेव करने हैं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर पे, जो इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप यहाँ पे डिलेड एक्शंस पे क्लिक करोगे, तो जैसे हम, मैंने डिलेड एक्शंस पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नया पेज टाइप खुल गया यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मोशन सेंसिंग की, कि अगर कुछ मोशन हो, जैसी वो हो, तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड ऑन हो जाए, और वो कैसे ऑफ होगा, क्या उसको बार बार कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे ठीक है, स्टार्ट वाया मोटन मोशन डिटेक्शन। सो यहाँ पे सेंसिटिविटी आपको डालनी पड़ती है 1 to 9, 1 सबसे कम, 9 सबसे ज़्यादा, पर जो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा R&D करी, 1 इज़ गुड इनफ। तो आप अगर यहाँ पे अपनी सेटिंग में आप डालोगे 1, और एंड सेंसिटिविटी में भी आप 1 ही डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिले स्टार्ट, डिले स्टार्ट वो चीज़ होती है कि भाई कितने सेकंड बाद, जैसे आपने कैमरा ये रखा, ऑन करा, स्कैन किया, उसके बाद कितनी देर बाद ये मोशन डिटेक्शन स्टार्ट करे, क्या पता आप रख के फ्रेम से निकलने के लिए आपको टाइम चाहिए कुछ भी, सो कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ 4, कि भाई 4 सेकंड बाद वो स्टार्ट करे, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हो, आपके ऊपर इसमें लिखा हुआ है, पर आई थिंक इतना काफ़ी है।
ठीक है। उसके बाद राइट, तो अगर बस अब हमने ये सेटिंग्स कर दी यहाँ पे 1 1 और डिले स्टार्ट 4। अब यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये QR कोड जो है वो मैं अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर, मोबाइल कह रहा हूँ, GoPro से इसको स्कैन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। सो ये मेरा QR कोड है और ये मेरा GoPro है। सो डिटेक्शन आ गया, उसमें स्टार्ट करने लगा वो। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा अभी कि जैसे मैंने QR कोड स्कैन किया और उसके बाद उसको मैंने रखा, 4 सेकंड बाद उसने मोशन डिटेक्ट करना स्टार्ट किया। बेसिकली इसमें जो मोशन डिटेक्ट कर रहा है, ऐसे कोई मोशन सेंसर्स नहीं लगे हुए GoPro 8 में, पर बेसिकली इसकी इमेज की जो क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है, वो इतना हाई है कि उस रेजोल्यूशन में जो पिक्सल्स हैं उनके डिफरेंस जब होते हैं तो उससे वो मोशन सेंस कर लेता है बेसिकली। तो जैसे मैं अपना हाथ जब घुमा रहा था, जैसे हाथ अंदर गया स्क्रीन पर, जैसे आपने अभी देखा, तो वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। और जैसे वो हाथ हटाया, उसे कुछ देर बाद जब उसे मोशन नहीं मिला तो वो शटर बंद हो गया, ठीक है। सो आपको फिर से करना है तो आप इसको फिर से वहां पे स्कैन करो और फिर रखो, फिर मोशन। अगर आप इसको रिपीटेटिव मूड पे डालना है कि आपको ये रिपीटेटिव होते रहे, कि एक बार मोशन हट जाए फिर वो बंद हो जाए, पर फिर से अगर मोशन आए तो फिर से ऑन हो जाए, तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक एडिशनल कमांड वाला बटन है। यहाँ पे अगर आप एक्सक्लेमेशन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके आगे आर लिख दोगे तो अब ये रिपीटेटिव मोड पे आ जाएगा, कि एक बार हटाओगे बंद हो जाएगा, फिर से लेके जाओगे तो फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे एडिशनल कमांड में आपको एक्सप्लेनेशन आर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब चलते हैं नई चीज़ पे, सनराइज और सनसेट पे चलते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं अपने जो GoPro है इसको रीसेट कर लेता हूँ, सब सेटिंग्स हटा देता हूँ। सो वापस नीचे अपना रीसेट का बटन ऐसे दबाया मैंने, और रीसेट दबाने के बाद मैं अपना GoPro, अपना QR कोड हम स्कैन करेंगे, वो उसने स्कैन कर दिया है, अब वो रीसेट हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं सनराइज सनसेट पे। ऊपर अगर आप जाओगे इसी फीचर में, यहाँ पे आपको दिखेगा डिलेड एक्शंस, आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ गया आपका, हाँ, सनराइज और सनसेट, ठीक है। हमें कितनी देर पहले सनराइज से स्टार्ट करना है। अगर हमें कितनी देर पहले स्टार्ट करना है सनराइज से, तो उसके लिए हमें माइनस डालना पड़ेगा कि भाई हमें सनराइज, अब आप सोच रहे हो कि सनराइज ये कैसे डिटेक्ट करेगा, बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ा आराम करो। तो सनराइज में हम कह रहे हैं भाई सनराइज से 20 मिनट पहले, -20, 20 मिनट पहले ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और यही सेटिंग है, ठीक है। या फिर आप आफ्टर सनसेट भी इसमें है, आफ्टर सनसेट की, जैसे आपने सनसेट से पहले बटन दबा दिया और फिर सनसेट से बाहर आपने टाइम लिख दिया कि भाई 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद वो बंद हो जाए, तो आप ऑन करके चले गए और फिर 20 मिनट बाद सनसेट के वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गए, यहाँ पे QR कोड आ गया फिर से, एक नया QR कोड, तो इसको अभी स्कैन करेंगे हम। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें आपने -20 मिनट्स तो डाल दिया सनराइज से पहले, उसके बाद इसमें एक और सेटिंग है। -20 मिनट्स तो आपने डाल दिया, पर इसमें एक और सेटिंग है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपने -20 डाला है, ये देख सकते हो -20, उसके बाद लिखा हुआ है नीचे एंड कैप्चर्स आफ्टर, एंड कैप्चर्स आफ्टर, कि आप कितनी देर बाद चाहते हो कि वो बंद हो जाए अपने आप ही, तो आप उसमें यहाँ पे घंटे लिख सकते हो, मिनट्स लिख सकते हो, सेकेंड। भाई मैंने लिखा कि भैया 15 मिनट बाद, भैया -20 मिनट स्टार्ट हो, फिर 20 मिनट मतलब समझ लो सनराइज हुआ, उसके बाद 20 मिनट और आगे, भैया 40 मिनट्स, 40 मिनट्स बाद वो बंद हो जाए, ठीक है। अब ये QR कोड आ गया, इसको अब हम स्कैन करेंगे GoPro से, और स्कैन करने के बाद वो सबसे पहले जो दिखाएगा वो दिखाएगा कि GPS लॉक। अभी आपने देखा उसमें जैसे हम सनराइज वाला ऑप्शन पे हम स्कैन करते हैं, तो सबसे पहले वो GPS लॉक करता है। वो GPS लॉक अभी आपने जो पहले वीडियो देखा छोटा सा, उसमें वो नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले कर चुका था। तो बेसिकली आप जब भी अपनी जगह ऐसे हिलेंगे उधर उधर या कहीं भी होंगे, तो सबसे पहले उसमें आएगा जैसे ही स्कैन करेंगे कि वो GPS लॉक करने की कोशिश कर रहा है, 0 to 100% तक जाएगा। अगर आप आउटडोर होंगे तो आसानी से GPS लॉक हो जाएगा, अगर इंडोर बैठे हुए हैं और बेसमेंट में कहीं पे हैं तो बहुत मुश्किल से वो GPS ट्रैक कर पाएगा। GPS लॉक होने के बाद वो अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
सब्स्टिट्यूट उसको मिल जाता है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा वो उसको मिल जाता है, और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि भाई इस लोकेशन पे कितनी देर बाद सनराइज होने वाला आता है। तो उसका भी टाइम आपने जैसे वीडियो में देखा कि वो दिखा रहा था 5 बज के सुबह कितने बजे सनराइज होगा और सनराइज होने में अभी कितने घंटे बचे हुए हैं, तो वो सब दिखा रहा था। तो जैसे ही सनराइज होने वाला होगा उसके 20 मिनट पहले से वो अपना गोप्रो स्टार्ट हो जाएगा, और सनराइज होने के 20 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि हमने 40 मिनट्स का उसमें डाला था। तो अब चलते हैं नई फीचर के ऊपर, और नया फीचर है जो आपका वो है स्पीड सेंसिंग, मतलब कि आपके स्पीड से भी ट्रिगर हो सकता है कि अगर आप इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। सो बड़ा कूल फीचर है ये, और इसमें अगर आप जाओगे इसी में नीचे ऑप्शंस जो आपका यहाँ पे डिलेड ऑप्शंस जिसके अंदर ये सारे थे, इसी में मोशन डिटेक्शन के नीचे आता है स्टार्ट एट GPS वेलोसिटी। सो यहाँ पे अगर आप कहते हो स्टार्ट स्पीड की भैया जैसे ही 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी तो ये कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, और एंड स्पीड मतलब कि अगर 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कम हो तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। ठीक है, तो जैसे हम दोनों ये चीज़ करी उसके बाद अपना यहाँ पे QR कोड आ गया है, इसको स्कैन करेंगे और एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ ये एक्टिवेट करके। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें स्पीड आ गया है कि इतनी स्पीड से ऊपर होगा तो रिकॉर्ड होगा, इतने कम होगा तो रिकॉर्ड बंद हो जाएगा। इट्स अ कूल फीचर, आपने अपने गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे कहीं पे लगा रखा है, और आप ऐसी जगह पे हो या ऐसी जगह कैमरा लगा रखा है कि जो आपके रीच से बाहर है, तो आप ये फीचर वहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि जिससे कि जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो एक स्पीड से आपने ऊपर गए तो रिकॉर्डिंग अपने आप कर ले, आपको बार बार वहाँ पर उतर के या उसको ऑन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें कैमरा आपको ऑलरेडी पहले से ऑन करके रखना पड़ता है, इसमें ये नहीं है कि वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, सो आपको ऑन करके रखना पड़ता है, और जैसे ही वो स्पीड उससे ऊपर जाएगी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला एक फीचर है इसमें टाइम, कि कितने बजे आप ये चाहते हो कि भैया ये सुबह 5 बजे या शाम को 8 बजे या 9 बजे ये अपना स्टार्ट हो जाए रिकॉर्ड करना, आप इसमें टाइम डाल सकते हो। सो जैसे अगर आप इसमें ऊपर जाओगे तो सबसे ऊपर जो है शट डाउन एंड कैप्चर इन, अब इसमें क्या है कि आप इतने घंटे भी डाल सकते हो कि अभी से इतने घंटे बाद, या फिर आप यहाँ पे कैमरा टाइम भी डाल सकते हो। 24 आवर्स का फॉर्मेट है कि भैया मेरे को अगर मानो सुबह 5:30 बजे रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने कैमरा लगा दिया सुबह 5:30 बजे रिकॉर्डिंग हो जाए, सो 05:30 ये मैंने इसमें डाल दिया कि सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड हो जाए, और बस नीचे QR कोड को स्कैन करूँगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि एक्टिवेट हो गया है, अब ये सुबह इतने बजे अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। बाकी इन हर ऑप्शंस में आप ऊपर जो ये ऑप्शंस देख रहे हो वीडियो रेजोल्यूशन और ये सब, आप ये हर चीज़ में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो भी आपको करना है, कि भाई आपको अगर सुबह का शूट करना है तो आपको क्या सेटिंग करनी है, 4K 2K या जो भी करनी है, या फिर आपको जब आप स्पीड कैप्चर कर रहे हो या मोशन कैप्चर कर रहे हो, ये सारी सेटिंग्स ऊपर वाली आप चेंज कर सकते हो, और वो सेटिंग करके QR कोड आएगा नीचे वो आप स्कैन करके एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, और बाद में अगर जब सब कुछ हो जाए, आपको ये सब चीज़ें हटानी है तो नीचे रीसेट पेज का बटन दबा दें, ये रीसेट हो जाएगा, फिर वापस इस QR कोड को स्कैन कर दें तो सब कुछ गायब, इरेज हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में एक और फीचर है एक्स्ट्रा लॉन्ग टाइम लैप्सेस, अगर आपको लंबे लंबे टाइम लैप्स लेने हैं, मतलब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 दिन लंबे लंबे टाइम लैप्स अगर आपको लेने हैं सिंगल बैटरी फुल बैटरी लाइफ में, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। सो इसमें अगर आप उसी के जो अभी हम फीचर थे उसी में आपको मिल जाएगा वेरी लॉन्ग टाइम लैप्स विद लार्जर इंटरवल्स का ऑप्शन, और इसमें अगर आप नीचे आओगे तो नंबर ऑफ डेज आप देख सकते हो, ये बढ़ा सकते हो कितना भी, 50 दिन तक। तो अगर हम मानो कि अगर हम 5 दिन का लेके चलते हैं, और 5 दिन में अगर आप नंबर ऑफ आवर्स आप नीचे देखोगे, अगर मैं इसको चेंज करूंगा नंबर ऑफ आवर्स को, सो नीचे जो इंटरवल का टाइम है, जो यहाँ पे इंटरवल का टाइम है आप देख सकते हो, अगर मैंने मानो इसको 10 आवर्स पे कर दिया यहाँ पे, सो यहाँ पे ये कह रहा है कि 374 फ्रेम्स फॉर 12.5 सेकेंड्स ऑफ प्लेबैक, मतलब मेरे को 12.5 सेकेंड का ऑलमोस्ट प्लेबैक मिलेगा, मतलब मूवी मिलेगी 30 FPS की आपके टाइम लैप्स की 5 दिन में, और जो इसका इंटरवल होगा वो करीबन 21 मिनट का इंटरवल होगा जो फोटो खींचने का।
आप एक्स्ट्रा लॉन्ग लंबे लंबे टाइम लैप्स बना सकते हो कि सुबह से लेके शाम तक, रात से अगले दिन भी आप बना सकते हो इसे, इस फीचर्स को यूज करके। अब डिपेंड करता है कि आप ये जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए इसमें जो नए फीचर्स आए हैं गोप्रो 8 में जो आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा उसको यूज करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ये ऐसे फीचर्स हैं जो गोप्रो 8 में वो डालना भी चाहते थे पर अभी दे आर नॉट श्योर, पर उन्होंने कुछ चीजें बनाई थी तो उन्होंने रिलीज करा दी हैं कि जिससे कि गोप्रो 8 में यू नो वैल्यू बनी रहे मार्केट में। सो माइट भी ये पूरा प्रॉपर एक वो बन जाए फीचर, जब गोप्रो 8 के अगला कोई वर्जन आए प्रॉपर एक फीचर्स बन जाए, आपको ऐसे स्कैन करके ना डालना पड़े, पर यू नेवर नो। सो गाइज ये सारे फीचर्स थे, आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। मेरे को पता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, अबे यार ये फीचर होते हैं तो मैं उस ट्रिप पे ये कर लेता, उस ट्रिप पे होता तो मैं ये कर लेता। अगर आप ट्रैवल करते हो और आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने का शौक है, मोटो व्लॉग करते हो, ट्रैवल व्लॉग्स करते हो, सो आई नो कि आपने जब ये फीचर्स के बारे में आपको पता चला होगा, आपको कहा होगा कि यार गोप्रो 8 लेना है यार, अब इस फीचर की वजह से लेना पड़ेगा। पता है गोप्रो 7 और गोप्रो 8 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पिक्चर क्वालिटी का, पर फीचर्स में भी अंतर था थोड़ा, पर अब सडनली गैप बहुत बढ़ गया है। और खास तौर से जिनको ये फीचर्स पसंद है उसके लिए तो फिर गोप्रो 8 किलर है। और अगर आपको ये फीचर्स या ऐसा आपने सोचा भी नहीं था पर आपको पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, सो आई नो दे किलर किलर, पर थोड़ा सा इसको यूज़ करना थोड़ा सा मतलब ये कैसे सिंपल नहीं है, कि थोड़ा सा आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है, थोड़े से वहाँ इनपुट्स डालने पड़ते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है इसको करना, पर अगर आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए सो इतना कुछ तो आप, मेरे को लगता है आप कर ही लोगे। मैं तो करने को तैयार हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रियल टाइम में जब मैं आप ट्रिप पे जाऊँ और ये सारे फीचर्स यूज़ करूँ और नया नया कुछ करूँ जिससे कि आपको कुछ और अमेजिंग चीज़ें ला सकूँ अपने मोटो ब्लॉग्स में। प्लस अब मेरे को रात को अगर मेरे को सोना है और सुबह मेरे को पता है सनराइज होने वाला है तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है और वो सनराइज से पहले स्टार्ट हो जाएगा। बस इस चीज़ की मेरे को फिक्र होगी ज़रूर, जो मेरे को देखना पड़ेगा कि यार कैमरा मैं कहाँ छोड़ सकता हूँ, कहाँ पर मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी कि रियल वर्ल्ड में कितना इसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप आप भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पाए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। एज ऑलवेज आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज। लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, दबा दो, लाइक और शेयर भी कर दो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।